टेक्निकल ब्रदर्स को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी क्लिक कर दें सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, सो आज मैं आपके जितना भी डाउट्स है रूट के लिए, मतलब आपका फोन अगर रूट करने के बाद वारंटी रहता है या नहीं रहता है, या कंपनी या सर्विस सेंटर वाले आपको अवॉइड करता है या अवॉइड करता है, उसके ऊपर ये वीडियो टोटली है। और बहुत सारे कमेंट्स ऐसे मैंने पढ़ा है जहाँ पर लोग जानना चाहते हैं, ये एकदम से क्लियर करके थोड़ा जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो उन लोगों के लिए है खास करके, और ये वीडियो मैं बना रहा हूँ उन लोगों के लिए खास करके। सो मैं यहाँ पर सारी डाउट्स आपको क्लियर कर दूंगा एकदम से। सो वीडियो आखिर तक देखते रहे और पूरी तरह आप समझ जाएंगे। सो आप देख रहे हैं टेक्निकल ब्रदर्स यूट्यूब चैनल और इस नया वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले फोन के बारे में। देखिए, सभी ब्रांड्स अपने रूट करने के बाद वारंटी अवॉइड नहीं करता, कुछ कुछ ब्रांड ऐसे भी है जो अवॉइड कर जाता है। जैसे कि अभी तक मेरे एक्सपीरियंस आपके साथ अगर शेयर करूं, मैंने लाइफ के ब्रांड को यूज किया है, मैंने ZTE Nubia को यूज किया है, मैंने Lenovo को यूज किया है, सो ये सारे जो भी ब्रांड्स है, या Redmi को यूज किया है, MI ब्रांड्स यूज किया है, सो जो जितने भी इतने सारे फोन्स है, इतने सारे ब्रांड्स है, सो यहाँ पर हमने जब सर्विस सेंटर दिया था, ये सभी फोन रूट करा हुआ था, रूट किया था, कुछ कुछ फोन ने अनरूट भी किया था। पर पहले एक बात मैं आपको क्लियर करना देना चाहता हूँ, आप रूट करें उसके बाद फिर अनरूट करें। जब आप फोन सर्विस सेंटर वाले के पास ले जाते हो, वो जब अपने पीसी के अंदर या पीसी के साथ अपने फोन कनेक्ट करते हैं केबल्स के द्वारा, तभी एकदम से क्लियर डिटेलिंग रिपोर्ट आ जाता है। जैसे कि कोई इंसान का रिपोर्ट आ जाता है एक्सरे वगैरह करने के बाद या फुल बॉडी स्कैन करने के बाद, वैसे ही आपने फोन को पूरा स्कैन किया जाता है। उसके बाद जितने भी जो जो आपने फोन में किया था, जो जो अपने फोन में हुआ था, सभी रिकॉर्ड्स आ जाता है। यानी कि अगर रूट करते हैं तो आपको फोन में रूट करने के बाद भी अनरूट नहीं होता, वो जिस दिखाने वाले के लिए अनरूट होता है। जब भी आपका फोन कनेक्ट करेंगे ना पीसी के साथ, तो समझ जाएगा इस टाइम पे ये रूट हुआ था, उसके बाद फिर अनरूट कर दिया था, पर रूट फिर से हो गया था, क्योंकि सभी डिटेल्स स्कैन के द्वारा हो जा रहा है। आपके बॉडी में कहां गया, क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्या प्रॉब्लम हुआ था, सब कुछ वो दिख जाता है। सो एक बार अनरूट करने की कोई बात ही नहीं आता, क्योंकि अनरूट करने में भी अनरूट नहीं होगा आपका फोन, नाम पे ही जस्ट अनरूट होगा। सो ये थे पहला पॉइंट जो आपके बड़ा डाउट था मुझे शायद लगता है। उसके बाद एक डाउट मैं हटा देता हूँ कि वारंटी जाता है नहीं जाता है, सीधी सी बात, एकदम मेन पॉइंट। देखिए, हाँ, सभी ब्रांड ऐसे नहीं करते, कुछ कुछ ब्रांड अवॉइड करता है, कुछ कुछ ब्रांड अवॉइड करता है। सो जो अवॉइड करता है, जैसे कि MI वगैरह में तो बोल देता है, ZTE में भी बोल देता है, सो Lenovo, Samsung, देखिए Samsung बहुत बड़ा ब्रांड है, तो Samsung इसे अवॉइड नहीं करेगा, Samsung इसे अवॉइड ही करेगा। Samsung कुछ कुछ जो बड़े ब्रांड है वो अवॉइड करते हैं, एकदम अवॉइड नहीं करते, अवॉइड ही करते। सो छोटे मोटे जैसे अभी तक या बड़े बड़े ऐसे ब्रांड, वो आप कस्टमर के अगर फोन करके पूछेंगे तो वो बोलेंगे हाँ आपको वारंटी नहीं मिलेगा, आपका वारंटी अवॉइड हो चुका है। पर नहीं, आप सर्विस सेंटर पर जाइए, जरूर आपको वारंटी भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, एकदम क्लियर। ठीक है, ये था पहला पॉइंट। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ सबसे बड़े पॉइंट, अल्टीमेट होता क्या है। अल्टीमेट जो होता है, ये रूट फूट करने के बाद अगर सर्विस सेंटर जाता है तो फोन खराब होने के बाद या ब्रेक होने के बाद, सर्विस सेंटर वाले समझ तो जाते हैं आपको वारंटी देंगे या नहीं देंगे, आपका फोन फ्री में ठीक करेंगे या नहीं करेंगे, उसके ऊपर। वो अगर आपने रिपोर्ट में या डिलीवरी पेज में अगर लिखेगा इस फोन में ऐसा हुआ था इसलिए मैंने नहीं दिया, तो वही होगा। अगर वो फोन में लिखेंगे जो ये फोन में ये हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, इसमें ऐसा एकदम से अकेले ही हो गया था, तो वो ऐसे ही कर देंगे। सभी काम, सभी जो रिपोर्ट, सभी हाथ में है उस सर्विस सेंटर वाले के ऊपर, सर्विस सेंटर जो लिखेगा वही होगा। मैंने खुद देखा, जैसे कि ZTE के मैं सर्विस सेंटर में गया था Nubia को रूट करने के बाद, वो ब्रिक्ड हो गया था, सो ब्रिक्ड होने के बाद कोई सोल्यूशन नहीं निकाला था, तो पहले मैं रूट कर रहा था, वो पहला फर्स्ट टाइम वाला है। सो तभी जाने के बाद वो लोग समझ गया था ये फोन रूटेड हुआ था और सब कुछ समझ गया था, मैं तो शॉक्ड हो गया, मैं तो बोल रहा था नहीं नहीं होगा, नहीं हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया, पर वो समझ गया था, यहाँ पर कोई ना कोई इसे छेड़छाड़ी किया था उसके बूट लोडर के साथ। तो समझ जाने के बाद मैंने बोला प्लीज सर कर दीजिए, मैं तो मुझे पता नहीं, पर वो बोला ठीक है कर देता कोई बात नहीं, पर वो सर्विस सेंटर वाले जो सर थे वो सर ने कर दिया था। हालांकि सभी सर्विस सेंटर वाले ऐसा नहीं करते, सभी ब्रांड्स को बोल दिया है रूट करने के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है,
मतलब सर्विस सेंटर वाले ये कंपनी का कोई जिम्मेदारी नहीं है, खुद कस्टमर्स का जिम्मेदारी। फिर भी अगर सर्विस सेंटर तब कुछ कुछ सर्विस सेंटर वाले अच्छे होते उस टाइम पे आपको ये दिया जाता है। ये बहुत लोगों को नहीं पता, ये बहुत लोगों को नहीं जानता, सभी खेल हाथ में है सर्विस सेंटर वाले, सभी खेल सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर जो बोलेगा वही होगा। यहाँ पर आपके हाथ में कुछ नहीं, मेरे हाथ में सर्विस सेंटर जो बोलेगा वही होगा। सर्विस सेंटर अगर बोल देता है आपका फोन पे नहीं होगा तो नहीं होगा, अगर हो जाता है हो जाता है। सो रूट और अनरूट में कोई फर्क नहीं है, इसे मत सोचिए। आप जाइए सर्विस सेंटर, पूछिए, बोलिए, फोन ठीक भी कर सकता है अगर कुछ हुआ है आपको फोन रूट करने बाद। और बहुत सारे लोग एक साल के बाद कर सकते हैं। हाँ देखिए, रूट कब करना सही है ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आपको फोन का कोई परवाह नहीं रहे और खासकर अगर मीडियाटेक का फोन है तो, क्योंकि मीडियाटेक के फोन के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस रह जाते हैं, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐसे ठीक कर सकते हैं, वैसे ठीक कर सकते हैं। सो मीडियाटेक का फोन हो तो आप अगर रूट वगैरह में अच्छा लगता है, कुछ कस्टमाइज करना अच्छा लगता है, सो आप कर सकते हैं। सीधी से जाइए, जो करना करिए, अपने मन के मन में जो भी आता है फोन के अंदर जो भी करिए। और एक साल के बाद तो कर ही सकते, तब क्या, तब तो वैसे ही तो लगेगी खराब होने का डर भी या नहीं होने का। तो इतना ही था इस वीडियो में, वैसा आपको समझाने के लिए बनाया था, मेरा मोटिव था कि आपको समझा दूं, सारी डाउट्स क्लियर कर दूं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद रहेगा ये वीडियो आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो जल्दी से जगह सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं रोजाना इस तरह टेक्नोलॉजी के ऊपर, रूट्स वगैरह के ऊपर वीडियोस लाते रहता हूं, और भी नया नया इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए फिर से बोल देता हूं सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखने के लिए एक बार फिर से थैंक यू वेरी मच। सो टेक केयर, गुड बाय, टाटा बाय बाय, टिल नेक्स्ट डे, फिर मिलेंगे नया वीडियो में। So, see you again with another video. Ta-da!